मिनी कार मोटर बाइक रेस। एक गांव में कुछ बच्चे मिनी कार में बहुत तेजी से जा रहे थे। रास्ते में लोगों से टकराते हुए और दूसरे गाड़ियों को नाश करते हुए जा रहे थे। फिर एक गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में गए और वहां पर खूब हंगामा करते हुए चला रहे थे। उस स्कूल में जो गरीब बच्चे परीक्षा दे रहे थे उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे सब चले गए। उसके बाद धनवानों के स्कूल के पास गए। वहां कुछ धनवानों के बेटे इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कार चलाने वाला आशीष नाम का लड़का, डियर फ्रेंड्स, हमने जैसा प्लान किया था उसी तरह उन गरीब बच्चों को एग्जाम लिखने नहीं दिया और उन्हें बहुत परेशान किया। उनके अच्छे नंबर नहीं आने वाले, हमारे तो अच्छे नंबर आने से रहे, इसीलिए उनका भी अच्छा नंबर नहीं आए ऐसा किया। आशीष, तुमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो हर बार वही अच्छे नंबर ले जाते हैं। अरे यार, एग्जाम्स लिख लिख के बोर हो गए, चलो चलकर खेलते। उस गांव में तीन दोस्त एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके बेटों का नाम था शंकर, जय और किशन। आशीष और उसके दोस्त इन तीनों को सताते रहते थे। ये देखकर वे तीनों बहुत उदास रहते थे। एक दिन फैक्ट्री का मालिक, मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, आप सबके सहयोग के कारण इस फैक्ट्री ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। आप सबके कारण इस कंपनी को बहुत लाभ हुआ है। कंपनी के शेयर का दर घोड़े से भी तेज भाग रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सबका वेतन 40% बढ़ा दिया गया है। साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के लिए मैं कुछ इनाम देना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको ही नहीं आपके परिवार के सदस्यों को भी खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। वहाँ देखा तो बहुत सारे मिनी बाइक्स, साइकिल्स, चॉकलेट, बिस्किट्स सब पड़े हुए थे। यार, मेरे बेटे शंकर को बाइक बहुत पसंद है यार, इसलिए मैं उसके लिए मिनी बाइक ले जाऊंगा। अरे, मेरे बेटे को भी मिनी बाइक बहुत पसंद है, उसे ये दिया तो बहुत खुश होगा। पर यार, लगता है कि ये बैटरी से चलता है, इसे हर रोज चार्ज करना होगा। चलो, जो भी हो, ये उन्हें देखकर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ मैं। यूं वो बाइक ले जाकर उन्होंने अपने बच्चों को दिया। वे तीनों बच्चे उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। वाओ, थैंक यू पिताजी, थैंक यू वेरी मच, मुझे ये बाइक बहुत पसंद है डैडी, अब मैं इसी में रोज स्कूल जाऊंगा। अपने मालिक को हमारा थैंक्स कहिए पिताजी, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि उनका धंधा खूब चले। बापू, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे बाइक में हम घूमेंगे, आई लव यू बापू। यूं वे तीनों बाइक में स्कूल जाने लगे। ये देखकर आशीष और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आया। एक दिन आशीष ने अपने कार को उनके बाइक के सामने रोका। क्यों भाई, उस फैक्ट्री के मालिक ने जो भीख दिया है उस बाइक को चलाते हुए ऐसे फुदक रहे हो जैसे पैसे देकर खरीदा है। तुम लोग अपने आप को हीरो समझते हो? देखो आशीष, हम ऐसा कुछ नहीं समझ रहे, तुम्हें हमसे क्या लेना देना, हमें जाने दो। अच्छा ये होगा, तुम अपना काम करो। अच्छा, हम अपना काम देखे? अरे, हमारा काम ही तुम्हें हद में रखना है, क्योंकि हम अमीर है और तुम गरीब, तुम लोग को हमेशा हमारे जूतों के नीचे रहना होगा। ए, जबान संभाल कर बात करो, हम गरीब हो सकते हैं पर हमने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं ना, हम अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं, चुपचाप हमें जाने दो। देखो भाई, तुम्हारा यू बाइक में घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम लोग को बाइक पे घूमना है तो चलो एक रेस लगाते हैं। अगर तुम उस रेस में जीत गए तो हम फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हारे बाइक को खुद तुम्ही को चलाना होगा। बोलो, मंजूर है? मैं रेस के लिए तैयार हूँ, कल ही रेस हो जाए। यूं वे सब कार में चले गए। बाद में शंकर, यार किसी भी हाल में हमें ये रेस जीतना होगा, वरना ये हमें तंग करते ही रहेंगे। उनका पेट्रोल का कार है और हमारा बाइक बैटरी से चलता है, हम उनसे तेज नहीं जा सकते, पर अगर हमें इनसे जीतना हो तो मेरे पास एक तरकीब है। कहकर अपना तरकीब सब इन्हें समझाया। अगले दिन मिनी कार और मिनी बाइक रेस के लिए तैयार खड़े थे। सीटी बजाते ही सब गाड़ियां तेजी से जाने लगी। अब कार आगे निकल गए, बाइक्स पीछे रह गए। शंकर बाइक चलाते हुए, फ्रेंड्स कम ऑन, 1 2 3, तुरंत तीनों ने अपने बाइक को हवा में उठाया और कार के ऊपर जा बैठे। आशीष कार चलाता हुआ जब पीछे बाइक दिखाई नहीं दिए तो वो परेशान हो गया। उसके साथियों को भी जब बाइक नजर नहीं आए तो सब कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही गाड़ियां फिनिशिंग लाइन के पास पहुंची। कम ऑन फ्रेंड्स, 1 2 3, तो तीनों बाइक उछल के कार के आगे आई और कार से पहले फिनिशिंग लाइन को पार कर गईं। ये देखकर सब लोगों ने ताली बजाई।
तब आशीष और उसके साथियों ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। देखा आशीष, हम तुम्हारे कार के मदद से तुम पर विजय हुए। ये बात जरूरी नहीं है कि पैसे है या नहीं, पर हर इंसान को अपनी बुद्धि, दिमाग और ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। धनवान होने का घमंड छोड़ो और अच्छे इंसान की तरह नाम कमाओ। तब से सब दोस्त बन गए और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।